आईएफएस धनंजय मोहन ने संभाली प्रभारी प्रमुख वन संरक्षक का चार्ज। प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक के मंगलवार को सेवानिवृत्त होने पर वरिष्ठता के आधार पर आईएफएस धनंजय मोहन को प्रभारी प्रमुख वन संरक्षक का चार्ज दिया गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस संबंध में 25 अप्रैल को डीसीपी हुई थी, जिसमें वन विभाग के कुछ अधिकारियों के नाम प्रमुख वन संरक्षक के पद हेतु भेजे गए थे, जिसमें धनंजय मोहन सबसे वरिष्ठ थे। वे भारतीय वन सेवा उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के हैं और जनवरी 2020 में उन्होंने भारतीय वन्य जीव संस्थान के निदेशक का पदभार संभाला था। भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थायी तैनाती को लेकर अनुमति न मिलने के कारण फिलहाल उन्होंने प्रभारी हाफ बनाया गया है। महकमे की कमाल संभालने के बाद प्रमुख वन संरक्षक हाफ के तौर पर धनंजय मोहन ने बताया कि मौजूदा दौर में फॉरेस्ट फायर की सबसे बड़ी चुनौती सामने है, जिसे निपटने के लिए विभाग से लेकर शासन और सरकार तक की मशीनरियां जुटी हुई हैं। वहीं उन्होंने कहा कि विभाग की कोशिश होगी कि लोगों की सोच को बदला जाए और जंगल केवल वन विभाग की जिम्मेदारी है, इस विचार में बदलाव लाया जाए और आम लोगों का जुड़ाव जंगल के प्रति हो। वहीं उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को भी प्राथमिकता के साथ रखा जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, डिप्टी रेंजर विभाग के फ्रंट लाइन में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनकी समस्याओं पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही मानव और वन्य जीव संघर्ष पर प्रमुखता से कार्य किया जाएगा। चौदावरीता जो अभी इस समय हमारी है वो वनाग्नि की है और हमारे सभी कर्मी इसमें पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं वनाग्नि को नियंत्रित करने में और अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं और साथ में सरकार के सभी विंग्स जो हैं वो पूरी सहायता कर रहे हैं, पूरा अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे जिलाधिकारी हों चाहे कोई हों, सर्वोच्च लेवल पे इसकी इसका अनुश्रवण हो रहा है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पे, चाहे माननीय वन मंत्री के जी के स्तर पे, चाहे हमारे मुख्य सचिव मैडम, प्रमुख सचिव, सभी लोग पूरी तरह से इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं और हमें आशा है कि हमारे इस एफर्ट से हम ये जो विभीषिका आ रखी है इस समय हमारे लिए उसको नियंत्रित करने में कामयाब होंगे। हमारे विभाग की हमेशा से वरीयता रही है और इन चीजों में किसी प्रकार का की कोई कोताही नहीं है। इन्फोर्समेंट का जो भी इशू हो, चाहे आप जिसका जिक्र कर रहे हैं इलीगल फिलिंग का, चाहे इलीगल माइनिंग का, इन सब चीजों में एकदम स्ट्रांगली हम लोगों को एक्ट करना है और मैं अपने सभी फील्ड ऑफिसर्स को यही कहूंगा कि इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा स्ट्रांगली एक्ट करना है। आपको सरकार ने बहुत ऐसी शक्तियां दे रखी हैं जिनके माध्यम से आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप उसका पूरा इस्तेमाल करें और इस तरह की कोई भी अवैध गतिविधि ना होने दें। और जहां तक बात अन्य वरीयताओं की है तो वो मैं कहना चाहूंगा कि हम हमारे जो भी चाहे वनाग्नि की हो चाहे मानव वन्य जीव संघर्ष की हो, इन सभी पे हम बहुत प्रयासरत तो हैं ही, साथ ही में स्थानीय समुदायों के साथ और ज्यादा जुड़ाव करने का की पहल हमको और ज्यादा करनी है, जिससे कि हम और स्थानीय जनता मिलके इन चुनौतियों का सामना